नमस्कार, मेरा नाम शुभम है, आप सभी लोगों का स्वागत है। लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो भी इंडिया में टू व्हीलर कंपनियां काम कर रही हैं। तो मैंने पहला वीडियो टीवीएस मोटर कंपनी पर बनाया था, लोगों को काफ़ी पसंद आया और मैंने उसमें बोला था कि मैं अदर कंपनियों का भी लेकर आऊंगा। तो मैं आज लेकर आ चुका हूं हीरो मोटर कॉर्प के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए दोस्तों जानते हैं, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते हैं वीडियो। हीरो मोटर कॉर्प एक इंडियन कंपनी, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं तो उन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता है कि हीरो मोटर कॉर्प इंडिया की है, लेकिन जो मुझे बाहर से देख रहे हैं इंडिया के बाहर से, उन लोगों को नहीं पता होगा। तो हीरो मोटर कॉर्प इंडियन कंपनी है और ये सिर्फ इंडिया की ही लार्जेस्ट कंपनी नहीं है बल्कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम सेल। यहाँ दोस्तों जो गाड़ियाँ बिकती हैं, जितनी गाड़ियाँ हीरो मोटर कंपनी बेचती है उतनी वर्ल्ड में कोई भी कंपनी टू व्हीलर की नहीं बेचती है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अचीवमेंट जो है वो इंडियन कंपनी के पास में है, वो भी हीरो मोटर कॉर्प के पास में है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर हम बात करें हीरो मोटर कॉर्प की कितने कंट्रीज़ में काम करती है, तो हीरो मोटर कॉर्प 37 से ज़्यादा देशों में काम करती है। बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, जापान जैसे देशों में कंपनी काम करती है। हीरो मोटर कॉर्प जो है उसका हेड क्वार्टर इंडिया के न्यू दिल्ली में है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें हीरो मोटर कॉर्प पे, टोटल 8 प्लांट हैं जो कि 6 इंडिया में है और 2 इंडिया से बाहर हैं। अगर हम 6 की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के हरिद्वार में है और इसके 2 प्लांट हरियाणा में पड़ते हैं, 1 प्लांट पड़ता है धरुहेरा में और हरियाणा में ही दूसरा जो प्लांट है वो गुरुग्राम में पड़ता है। तो ये 3 प्लांट हो गए, बाकी चौथा प्लांट जो है निमारना जगह है राजस्थान में, वहाँ पर पड़ती है। और इसका जो 5th प्लांट है वो गुजरात के वडोदरा में है, और 1 प्लांट इसका जो अभी हाल ही बन के तैयार हुआ है वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। तो ये टोटल जो है 6 प्लांट जो इंडिया में काम कर रहे हैं, और 2 प्लांट जो इंटरनेशनल प्लांट, उसमें से 1 प्लांट है कोलंबिया में, दूसरा प्लांट है बांग्लादेश में। तो ये टोटल 8 प्लांट हैं जो हीरो मोटर कॉर्प के हैं और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। हीरो मोटर कंपनी का शेयर लगभग 37% से 39% के आसपास इंडिया में रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि अगर इंडिया में 100 टू व्हीलर सेल होते हैं तो उस 38 से 39 यूनिट जो सेल होता है वो हीरो मोटर कंपनी का है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये फिगर है। हीरो मोटर कॉर्प के पास में एक स्प्लेंडर मॉडल है, वो सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सेल होने वाला कोई भी टू व्हीलर है। हीरो मोटर कंपनी के नाम एक और एक अनोखा एक फैक्ट है, एक रिकॉर्ड है कि 1987 में पहली बार 100,000 मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करती है। ईयर 2000 में पहली बार डिक्लेयर किया जाता है कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 टू व्हीलर मोटरसाइकिल है। तो अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो आज तक ये रिकॉर्ड हीरो मोटर कंपनी के पास में है, यानी स्प्लेंडर के नाम है। अभी तक जितनी भी मोटरसाइकिल सेल होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भी इंडिया या इंडिया के बाहर जो गाड़ियाँ बिकती हैं उसमें स्प्लेंडर का नाम आता है, यानी स्प्लेंडर के पास में रिकॉर्ड है अभी तक। बाकी हीरो का पहला स्कूटर प्लेजर था, जो कि अभी भी है और अभी भी आता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि हीरो मोटर कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, यानी लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म ऑफ सेल्स। लेकिन हीरो मोटर कंपनी स्कूटर के मामले में इंडिया में 4th नंबर पर है। जी हाँ, एक सुन के आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी और स्कूटर के मामले में 4th नंबर पर कैसे है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूटर के मामले में सबसे पहले पोजीशन पे सबसे ज़्यादा जो स्कूटर बेचता है वो है होंडा। सेकंड पोजीशन पे आ जाती है टीवीएस मोटर कंपनी, जो कि एक इंडियन कंपनी है, और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है सुजुकी स्कूटर के मामले में, और उसके बाद आता है हीरो मोटर कॉर्प स्कूटर के सेल के मामले में। ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है कि एक कंपनी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है और स्कूटर के मामले में 4th नंबर पर है। अगर हम हीरो मोटर कंपनी के प्लांट्स के बारे में बात करें तो जो इंडिया में जो 6 प्लांट हैं, अगर उसमें हम प्रोडक्शन की बात करें तो 11.6 मिलियन यूनिट्स इंडिया में इनके हीरो मोटर कंपनी के प्लांट्स बना सकते हैं। इसके बाद में अगर एक और हम अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जितने जो इंडिया में रॉयल इनफील्ड काम कर रही है, यमहा काम कर रही है, सुजुकी काम कर रही है, इन सभी के टोटल सेल अगर हम जोड़ लें और अगर हम कंपेयर करते हैं कि हीरो के सिर्फ स्प्लेंडर से, तो स्प्लेंडर मॉडल और हीरो बाकी ये 3 कंपनियों की सेल फिगर
अगर मैच करते हैं तो बराबर आ जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हीरो का स्प्लेंडर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल है, जो कि तीन कंपनियों की टोटल सेल और हीरो का स्प्लेंडर की सेल एक तरफ है। तो दोस्तों ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपके सजेशन है या फीडबैक है तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।